नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जारबोम गामलिन को बुधवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। जारबोम गामलिन के बड़े भाई जारकर गामलिन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जारबोम ने दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया और प्रदेश के विकास के लिए अपने जीवन को खपाने का काम किया। उनके पैतृक गांव वेस्ट सियांग के आलो स्थित येगो निवास में जारबोम का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव वी नारायण स्वामी, मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री अलहेक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कालिखो पुल, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोजेन गादी समेत काफी लोग ने उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और वो ऐसे शख्स नहीं होगा जिसको जारबोम ने मदद नहीं किया हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो या दिल से प्यार दिया हो, वो सबको किया है। और वो कभी किसी को किसी का दुख तकलीफ नहीं देख सकता था, सह नहीं सकता था, वो मदद करने में लगा रहता था। मैंने देखा बहुत आदमी का जान बचाया, बहुत आदमी को उसने बीमार से फाइनेंस करके उसको ठीक किया, मगर आज मुझे पता चला वो सबको मदद किया मगर खुद को वो बचा नहीं पाया। हर चीज को उसने हल्का से लिया, जो भी चीज को उसने इजी वे लिया, तो मरने का समय भी हमें तकलीफ नहीं दी कि मैं मर रहा हूं भैया, हमको भी अब 24 घंटा साथ में रखे, देखिए। इसने कभी ये महसूस नहीं करने नहीं दिया, वो हमको तकलीफ नहीं देना था, इसलिए उसने झूठ बोला कि हम ठीक हो जाएंगे। तो उसी भरोसे में मैं आया था, मगर वो मर गया, देख नहीं पाया। मगर आज यहाँ मैं जब देख रहा हूँ तो कुछ बोल नहीं पाता, वो सोया हुआ है। फिर भी मुझे खुशी है कि मरते मरते भी जो आज मैं देख रहा हूँ, कल से देख रहा हूँ, परसों से देख रहा हूँ, उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो दूसरा एंगल में, दूसरा डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी हो वो मालूम नहीं, मगर जनता पब्लिक बहुत उसको पसंद करता है। दिल्ली का कहानी भी सुना, दिल्ली का बातें भी भाई लोग से सुना कि पब्लिक आके देखा, गुवाहाटी में भी पब्लिक आके देखा वो भी हमने सुना, जो कल नाहरलगन का स्थिति था वो भी मैंने सुना। आज दो दिन से यहाँ जो देख रहा हूँ उससे भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा भाई पब्लिक का, जनता का दिल में पक्का बसा हुआ है। उसको देखने के लिए आज इतना यहाँ मर पड़ा है, जिसको देख के मैं तो गर्व करता हूँ, मेरा भाई भी ऊपर से देख रहा है तो उसे समझना चाहिए कि वो पब्लिक का कितना सहिता लीडर था। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट सियांग के जिला मुख्यालय को लेकर सरकार और जनता आमने सामने आ गई है। न्योबो को सियांग का स्थायी जिला मुख्यालय बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ बुधवार को लोगों ने एडीसी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बोगम बोकांग एसोसिएशन के द्वारा इसका आह्वान किया गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार ने पहले बोलेंग स्थित रेंगो को जिला मुख्यालय बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने दो दिन पहले न्यूबो और पंगिन को जिला मुख्यालय बनाने की अधिसूचना जारी कर उनके साथ विश्वासघात किया है। इस दौरान रुगोंग से बीजेपी विधायक तामियो तागा ने सरकार द्वारा किए गए बदलाव के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री तापंग तालो को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तापंग के कहने पर ही न्यूबो और पंगिन को जिला मुख्यालय बनाया जा रहा है। तागे ने तापंग पर आरोप लगाया जो अपने व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिला मुख्यालय बनाने के सिलसिले में सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कमेटी का भी गठन किया गया था। कमेटी के चेयरमैन ताजे कोमित ने बॉलिंग के हक में बात करते हुए कहा कि सरकार ने पहले बॉलिंग में एचक्यू बनाने पर सहमति जताई थी। उन्होंने बताया कि उसके पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें एडीसी कोड के साथ बॉलिंग के लोगों ने एक एफिडेविट साइन कर हेडक्वार्टर के लिए जमीन डोनेट की थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बोलेंग का कोर्ट में एफिडेविट स्वेयर किया, साइन किया, विच इज ऑथेंटिक। हियर बाय एरिया इन बोलेंग टुक द एडवांटेज पोजीशन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में गुरुवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बैंक हड़ताल जारी रखी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लाइज एसोसिएशन के सचिव विकास हाजोंग ने बताया कि दो साल पहले उनके वेतन में वृद्धि की गई थी, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया है। विकास ने यह भी बताया कि वेतन में 30% की बढ़ोतरी की मांग की गई है, लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन अपने रुख पर अड़ा हुआ है। विकास ने यह भी बताया कि इससे पहले 2 दिसंबर को दक्षिणी जोन में
3 दिसंबर को उत्तरी क्षेत्र में और 4 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रों में हड़ताल का आयोजन किया गया था। वहीं आज पश्चिमी क्षेत्रों में बैंक की हड़ताल रहेगी। ईटानगर की SBI एम्प्लॉयज यहां पर एक धरना बैठे हुए हैं और ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तरफ से एक धरना या फिर एक दिन का स्ट्राइक किया जा रहा है और जो कि 2 तारीख को भी पिछले दिनों हुआ था, तो इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आप लोगों का आज बंद रहा है, बंद खोल कर आप लोग धरना कर रहे हैं, तो ये जो है ये किस वजह से है, आप लोगों का डिमांड क्या है? एक्चुअली हम लोग का जो डिमांड है, जो सैलरी रिविजन है, वो हम लोग का 2 साल पहले हो चुका था, वो अभी तक मतलब कॉन्क्रीट शेप में नहीं आया। तो हम लोग एसोसिएशन जो एक डिमांड कर रहा है, तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है वो लोग मतलब उसमें नहीं आ रहे। हम लोग 30% लेने से लिए डिमांड किया था, लेकिन वो लोग 11% तक मतलब सीमित रहा, उससे ज़्यादा वो लोग मतलब नहीं मतलब मान रहा है। और हम लोग का 1 तारीख को एक मीटिंग था, तो वो जो टॉक्स फेल हो गया, तो एज शेड्यूल्ड अर्लियर, पहले से जो शेड्यूल्ड हुआ था, आज हमारे नॉर्थ ईस्ट जो ईस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन का स्ट्राइक हो रहा है, कल नॉर्दर्न जोन का था और आने वाला कल में साउदर्न जोन में हो जाएगा, सॉरी वेस्टर्न जोन में हो जाएगा कल। ये चारों जो है 2 तारीख से शुरू हुआ है, 2 तारीख दिसंबर को साउदर्न जोन में हुआ था, 3 तारीख नॉर्दर्न जोन में, आज 4 तारीख है ईस्टर्न जोन में हो रहा है। ईस्टर्न जोन कंप्राइजिंग द स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसके बाद इंडियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसके बाद कल जो है वो वेस्टर्न जोन पे होगा, जो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इंडियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, ये कल होगा। तो ये थे विकास हाजोंग जी, और इनका मानना है कि जो इन लोगों का बार बार रिपीटेडली जो डिमांड, जो सैलरी को इंक्रीज कराने के लिए जो डिमांड रखा गया था, जो कि पिछले 2 साल पहले इसको हाइक किया गया था, मगर अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो ऐसे में इन लोगों का डिमांड जो है, डिमांड को जायज़ बताते हुए इन्होंने बताया कि आज के स्ट्राइक के बाद अगर फिर भी नहीं माना, इन लोगों का डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में डेमोक्रेसी वे में इंडेफिनेट स्ट्राइक तक जा सकते हैं। कैमरामैन ताजुम बिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। डॉलर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर को पूर्वोत्तर राज्यों के सभी 39 सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक का उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्रालय के सार्थक कार्यों के लिए सांसदों का सुझाव मांगना है, ताकि सांसदों की रायशुमारी के बाद डॉलर मंत्रालय सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेहतर योजनाएं बना सके। जितेंद्र सिंह ने सभी सांसदों को व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखी है। डोनर मिनिस्टर ने जनप्रतिनिधियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनसे अनुरोध किया है कि वो भी अपनी पसंद और प्राथमिकता वाली भावी परियोजनाओं को प्रस्तुत करें। चिट्ठी में लिखा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास BJP के एजेंडे में सबसे ऊपर है। सिंह ने यह भी कहा कि भविष्य में उनका पूरा ध्यान सड़क और रेल संपर्क में सुधार करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाना और पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के दूसरे राज्यों के बीच की खाई को कम करने पर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम और नागालैंड के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने असम द्वारा 26 साल पहले दायर मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मूक दर्शक न बनी रहे। न्यायमूर्ति TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सरकार से विवाद हल करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। वहीं इस मसले पर केंद्र ने कोर्ट को बताया कि गृह मंत्री ने विवाद को हल करने के लिए हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। आपको बता दें कि असम और नागालैंड के बीच 434 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 1963 में असम के नागा पर्वतीय जिलों को अलग कर नागालैंड अलग किया गया था। तब से नागालैंड कुछ क्षेत्रों को ऐतिहासिक रूप से अपना बताते हुए सभी नागा क्षेत्रों को राज्य में शामिल करना चाहता है, जबकि असम सरकार 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड के गठन के समय तय सीमाएं कायम रखना चाहती हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित दोनी पोलो मिशन स्कूल में गुरुवार को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। दोनी पोलो मिशन स्कूल में सुनने में अक्षम और नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। समारोह में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दोनियो पोलो मिशन स्कूल के अध्यक्ष घेगांगा पांग, बागवानी विभाग के डायरेक्टर जाम्बो रतन और RK मिशन अस्पताल के सचिव स्वामी जी महाराज मौजूद थे। इस दौरान वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग यूनिट का उद्घाटन करते हुए RK मिशन अस्पताल के सचिव स्वामी जी महाराज ने कहा कि अस्पताल की तरफ से छात्रों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। वहीं बागवानी विभाग के डायरेक्टर जाम्बो रतन ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी किया गया था। ये इंटर का जो
फिलोसॉफी मिशन ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे पास में भी नहीं है, लेकिन ये कितना सालों से पहले ये आइडिया डेवलप होके ये डोनी पोलो इम्पैक्ट का और जहाँ भी हो डोनी पोलो मिशन स्कूल का भी फाउंडिंग किया। हम लोग सब मिलके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हिडन एनर्जी इम्पैक्ट के साथ में है, जो एनर्जी स्टेप को हर आदमी को प्रयोग करने का सोचना चाहिए। टीचरों का टीचर है ये लोग, ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनर, ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनी नहीं, हम बोलेगा ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनर। इसका टॉलरेंस कैपेसिटी टीचरों का कितना होगा और लोग ये लोग कैसे सिखा होगा। I have been associated with the mission, so this mission, so many times we have come here, as many times as possible and as far as possible we have extended the help. Message should go to all over the state, people should come forward to help such children. मैं इतना ही मैं बोलना चाहता था, हम लोग हमेशा रामकृष्ण मिशन इसके साथ हैं, इनके पीछे हैं, हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे, धन्यवाद। मणिपुर के निंगोमबाम कलाचंद मेहती फल के बीजों का इस्तेमाल करके इंसेक्ट्स वाले खिलौने बनाते हैं, जिनमें स्पाइडर, फ्लाई, स्कॉर्पियन, क्रेन आदि प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि 54 साल के निंगोमबाम कलाचंद मेहती बांग्लादेश के प्रसिद्ध कारीगर रहे हैं और अब मणिपुर में रहते हैं। मणिपुर में आने के बाद से ही मेहती एक ज्वेलरी हाउस में काम करते थे और गहने बनाते थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें गहने ना बनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद से मेहती ने इस रचनात्मक कार्य की शुरुआत की। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।